नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा गर्ग, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। आज हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ पीआरपी। जब हम पीआरपी इतनी बार ले रहे हैं तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? ऐसी क्या बीमारी या ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें हमें पीआरपी को नहीं लेना चाहिए? तो पहले बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। चूँकि ये एक ऑटोलॉगस प्रोडक्ट है, ऑटोलॉगस प्रोडक्ट मतलब हमारे ही शरीर से लिया गया, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एज सच कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जिसे साइड इफ़ेक्ट्स की कैटेगरी में कायदे से नहीं आना चाहिए, वो है जब हम इंजेक्ट करते हैं हल्का सा पेन होता है, कभी थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है, एक दो दिन तक थोड़ी सोरनेस या टेंडरनेस रहती है, तो यही पीआरपी। लेकिन जो मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि इसे हमें कब तक लेते रहना चाहिए और कितनी बार लेना चाहिए, पीआरपी के अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पीआरपी को बहुत ज़्यादा बार लें और बहुत फ्रिक्वेंटली लें तब फिर पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पीआरपी ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करता है, कुछ बहुत ही कम मात्रा में ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर भी रिलीज़ करता है, और यदि हम पीआरपी को बहुत ज़्यादा बार लेंगे तो यह साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। अब पीआरपी को हमें कब नहीं लेना चाहिए, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है? तो जितनी भी प्लेटलेट डिसफंक्शन की बीमारियाँ हैं, जैसे वायरल फीवर के बाद में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, या कई बार प्लेटलेट्स में कोई मॉर्फोलॉजिकल बीमारी होती है जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या कुछ दूसरी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें प्लेटलेट्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स भी उन्हें बोलते हैं, इस कंडीशन में हमें पीआरपी नहीं लेनी चाहिए।